हे गाइस, क्या हाल चाल। आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक सीरीज पॉकेट एडिशन पार्ट 6, पता ही है। तो यार, अब इतने दिनों से हम लोग मतलब माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक सीरीज में लावारिस की तरह पड़े हुए थे। हमने एक मतलब प्राइवेट जंगल तक बना दिया, एनिमल फार्म बना दिया। ये देखो प्राइवेट जंगल, ये एनिमल फार्म के ऊपर मैंने वो मतलब एनिमल्स को यार धूप बारिश लगनी चाहिए इसलिए बनाया था। अच्छा दिख रहा होगा तो ठीक है। और ये जो प्लेटफॉर्म देख रहे हो, यहाँ पे हम हमारा भी मॉडर्न हाउस बनाने वाले हैं। तो मॉडर्न हाउस बनाना ही है और उसके लिए मैंने कुछ सामान भी इकट्ठा किया है जो नीचे चेस्ट में आपको दिखाता हूँ। मतलब वो देख के आप भी बोलोगे कि भाई पैसा ही पैसा हो गया। तो ये देखो भाई, जितना सामान मैंने इकट्ठा किया है ना, मतलब 7 पुश्ते भी मतलब बैठ के खाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन यार देखो, हमारा प्राइवेट जंगल भी काम आ चुका है और कॉबलस्टोन फार्म भी। और ये जो देख रहे हो ना, क्ले बॉल से बनाया हुआ ये ब्रिक ब्लॉक, ये क्ले बॉल मिला था हमें तो उसको मैंने फर्नेस में डाल के बना लिया। और कुछ ब्रिक स्टोन भी बना लिए मैंने। तो अभी आगे का काम शुरू करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। और इसमें हम लोग स्ट्रिप किए हुए ब्लॉक यूज़ करने वाले हैं, ओक ब्लॉक और अपने ब्रिक स्टोन यूज़ करने वाले हैं। तो ये 9 ब्रिक स्टोन लगेंगे पहले। और मतलब 10वां फिर से ब्लॉक लगेगा ये वाला, ये कंप्लीट। तो ऐसे ही हमें मतलब पूरा 11x11 का बनाना है। गाइस, तो 11x11 का रेडी हो चुका है हमारा पूरा प्लेटफॉर्म ही कह लो अभी, और क्या कहें। तो 11x11 रेडी हो चुका है। अभी इसके बाद हमें इसके ऊपर मतलब 10 ब्लॉक ऊपर जाना है। तो 10 ब्लॉक ऊपर चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस सेम अभी हमें चारों के चारों पिलर्स खड़े करने हैं। ओके गाइस, हमको पिलर को कनेक्ट भी करना है तो इसे कनेक्ट भी कर लेते हैं। ऐसे ही चारों प्लेयर हमें कनेक्ट कर लेने हैं एक दूसरे से, तो वो भी कर लेते फटाफट। तो मैं अभी आया था टॉर्चेस लेने के लिए और हमारा स्ट्रक्चर भी रेडी है। टॉर्चेस प्लेस कर लेते फटाफट सारी जगह पे, क्योंकि भाई अगर मॉब स्पॉन हो गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि इतने मेहनत से बनाया टूटने नहीं देना। तो टॉर्चेस स्पॉन ज़्यादा लगा तो भाई, क्योंकि स्पॉन ही ना हो, क्रीपर ऊपर स्पॉन हो तो ऊपर लग सकता है क्या। ये पिलर पे भी लगा देते हैं, तो यहाँ पे लगा देते। और हमें मतलब 1 2 3 4 5, ओके पूरे 10 ब्लॉक्स है ऊपर तक। ओके कंप्लीट है। फिर से एक बार यहाँ से 5 ब्लॉक्स हमें पूरा फिर से एक बार कलेक्ट कर लेना है, क्योंकि 2 कमरे बनेंगे ऊपर और एक नीचे, तो इसको भी कनेक्ट करना है हमें। और इसको भी मैं स्ट्रिप कर दूंगा, क्योंकि स्ट्रिप अच्छा लग रहा है, बुरा भी नहीं लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। और उससे पहले हमें ये भी भरना है, तो इसको भी भरना है भाई नीचे का, तो इसको भी भर लेते फटाफट। ओके गाइस, हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, चारों तरफ से मतलब कनेक्ट भी हो चुका है, फ्लोर भी रेडी है। बस अभी एक बचा है लास्ट, उसको करना है हमें। मतलब लास्ट नहीं बचा, बहुत बाकी है। दीवार खींच देनी पूरी ऊपर तक जाएगी, दीवार पूरी ऊपर तक। तो वो दीवार भी खींचनी बाकी है, क्योंकि भाई रूम बड़ी रखनी है ना। और एक तरफ से मतलब दीवार 5 ब्लॉक के ऊपर रहेगी, वो भी आगे बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमें एक और कमरा चाहिए ऊपर, मतलब ऊपर का हमारा बेडरूम बनेगा जो ऊपर साइड। नीचे हम लाइब्रेरी भी बना सकते हैं या फिर स्टोरेज रूम भी। स्टोरेज रूम में तो टेंशन नहीं है वैसे, स्टोरेज रूम के लिए भी जगह है अलग से। तो इसको मैं पूरा खींच लेता हूँ जितने ब्लॉक लगते हैं भाई, यही दिखाता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो गाइस, अभी मुझे पता चला है कि हमने एक छोटी सी गलती की है, और वो गलती ये है कि स्टार्टिंग में जो हमने पिलर कनेक्ट किए थे, वो पिलर मतलब जो कनेक्ट किए थे ना स्टोन ब्रिक से, वो स्टोन ब्रिक से नहीं करने थे, वो क्लॉग रहता था उससे करने थे। तो अभी गलती भी हमें ठीक करनी पड़ेगी। बहुत सारी दीवार खींच दी यार, उसके बाद पता चला ये देखो इतना कम्प्लीट हो गया। तो इसको मतलब पूरा यार फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, ये पूरा तोड़ के।
और ये जो साइड से मैंने दीवार भी चढ़ाई है ना, उसका भी एक ब्लॉक नीचे रखना है, क्योंकि ऊपर के साइड एक डिज़ाइन बनने वाली, मॉडर्न घर है भाई, डिज़ाइन तो बननी चाहिए कि नहीं। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, बस ये दोनों रह गए, उसकी जगह भी लगा दो भाई, इसको भी स्ट्रिप करना है, स्ट्रिप भी हो गया। ओके, अभी नीचे चल रहा है, नीचे जो सारा गिरा हुआ है स्टोन उसको उठाना है, बट एकदम संभाल के, ये गिरे सारा भाई इकट्ठा कर लो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार, इसको भी इकट्ठा करो, सारा चाहिए मुझे, सारा चाहिए मुझे। ये इधर भी पड़ा हुआ है कुछ, ये तो अच्छा तो लग रहा है यार, लुक लेना स्टार्ट हो गया मस्त एकदम। ये थोड़ा जेल की तरह लग रहा है, लेकिन ठीक है, देखते हैं बनने के बाद कैसा लगेगा। बस अभी ये साइड जो है, ये साइड सिर्फ 5 ब्लॉक ही रहने वाली है, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक साइड से दीवार हम 5 ब्लॉक ही रखेंगे, क्यों वो भी पता चलेगा। तो इसको भी कंप्लीट करना है भाई फटाफट से। तो अब घर के बाहर से हम उल्टी स्टेयर लगाई जा रही है, क्योंकि लुक और अच्छी दिखे, मतलब एकदम, मतलब सब प्लेटफॉर्म लगे कि भाई यार कुछ अलग सा बनाया, प्लेटफॉर्म लगना चाहिए। स्लैब नहीं लगा रहे, स्लैब लगा देंगे तो यार मतलब जो शेप ले रहा है ना वैसा शेप नहीं लेगा मस्त एकदम, इसलिए स्टेयर्स लगा रहे, तो स्टेयर्स भी वेस्ट कर रहे हम लोग, पता वेस्ट नहीं है, लेकिन देखते हैं अभी, अच्छी लगेगी तो ठीक है, नहीं तो बाद में इसको तोड़ दूंगा, बट अच्छी लगेगी शायद से, तो तोड़ो भाई इसको। तो ये भी भाई कंप्लीट करना फटाफट, बहुत सारा काम बच रहा है अभी भी, उल्टी स्टेयर लगाने में दिन जाने वाला लगता है। What we do here is go back. Okay guys, तो उल्टी स्केयर लगा के भी हो चुका है, बस अंदर के साइड से एक दीवार ऊपर खींचने बाकी रह गई थी एक साइड से, अभी वो खींचते दिन चला जाएगा, पहले स्टेयर लगाते चला गया, अभी दीवार खींचते कब से मैं सब कुछ खींच ही रहा हूँ, तो इसे भी कंप्लीट करता हूँ फटाफट से भाई, बहुत टाइम लग रहा है। और एक तो नीचे गिर रहा हूँ ना, 8 चार, एक बार तो मैं मरते मरते बचा था 1 HP, ये देखो अटक रहा है, क्या जिंदगी झंड है भाई, जल्दी से कंप्लीट करते भाई इसको। तो ओके गाइस, ये भी कंप्लीट हो चुका है, अब बस जो स्टार्टिंग में हमने वुड प्लैंक्स बनाए थे उनका यूज़ यहाँ पे होने वाला है एज अ प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म भी यार रेडी करते फटाफट, यहाँ पे मतलब वुड प्लैंक्स लगने वाली है, देखते हैं ये अच्छा लगता है तो ठीक है, ये तो अपना फिर यही, लेकिन ब्रिक स्टोन अच्छा, मतलब सब जगह ब्रिक स्टोन, तो पूरा मतलब वो खेती वाला फील आ रहा है, एक तरफ से कासल का भी फील आ रहा है, लेकिन वही है, अगर हम नेदर जा पाते तो हम ब्लैक स्टोन भी लगाते यहाँ पे और अच्छा दिखता, हो सकता है आगे जाके हम इसे और भी मॉडिफाई करें, बट अभी के लिए तो प्लैंक्स ही लगाने हमें।
तो ये काम भी हमारा निपट चुका है, सारी जगह ब्लैंक्स लग चुकी है। बस अभी एक और चीज़ रह रही है, जो मैंने बोला था कि एक तरफ से 5 ब्लॉक लगाने, तो इसी तरफ से लगाए थे। अब क्यों, अभी देखो इस साइड एक और कमरा बनेगा, इस साइड हम लोग 5 ब्लॉक आगे जाने वाले, पूरे 5 ब्लॉक। तो ये 1 लग चुका है, 2, 3, 4 और 5, और यहाँ से मतलब इसको स्ट्रिप भी कर लेना है, उसे छिलकी निकाल लेते फटाफट। और यहाँ से हमें ऊपर 5 ब्लॉक जाना है, मतलब ऊपर की जो छत है उधर तक जाना है। तो ऊपर ऊपर से भी हमें इसे कनेक्ट कर लेना है, इसे कनेक्ट कर लेते फटाफट। इसको भी स्ट्रिप करना पड़ेगा, नीचे चलते पहले इसको कनेक्ट कर लिया। अभी रुको कहाँ गई, हाँ बस अभी स्ट्रिप करना है इसको फटाफट से स्ट्रिप। ओके, तो बस सेम हमें मतलब एक कमरे जैसा बनाना है, तो चारों तरफ से बनने वाला है, उसे भी रेडी कर लेते फटाफट। ये भी कंप्लीट हो चुका है, अब नीचे चलते फटाक से, एकदम प्रोटेक्टिव, एकदम परफेक्ट। अभी हमें क्या करना है ना, यहाँ पे एक दीवार खींच देनी है, ये पूरा बंद करना है हमें को यहाँ से, और रीस्ट्रिप करना रह गया यार, क्योंकि हमारी कुल्हाड़ी टूट गई है, एक्स टूट गई है, उसको मतलब पूरी दीवार खींच देनी है। ऊपर से एक ब्लॉक रखना है नीचे, क्योंकि ऊपर डिज़ाइन बनने वाली है, तो इसे भी फटाक से, चलो 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 ये लग गया, तो ये तो सेम यहाँ से मतलब पूरा एकदम इसे तोड़ लो। गाइस देखो मैं कब से कूद रहा था ना, तो ये देखो प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स एकदम परफेक्ट। अभी अभी कुछ हुआ नहीं था, हम लोग प्लेटफॉर्म बना रहे थे, थोड़ा सा पैर फिसल के, कुछ हुआ नहीं था वैसे, बस ऐसे थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स दिखा रहा था। प्लैंक्स खत्म हो गए क्या, नहीं है ना, बस थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो गया था हमारा, और कुछ नहीं हुआ था। तो वैसे टिप्स एंड ट्रिक्स घर पे ट्राई मत कीजिएगा, वार्निंग, मतलब समझ रहे हो ना, घर पे ट्राई मत करना ऐसा बिल्कुल, जानलेवा टिप्स एंड ट्रिक्स है भाई, बेइज्जती हो गई यार। तो पूरा कमरा हमने मतलब स्टोन ब्रिक से ढक लिया है, बस अभी छत की डिज़ाइन करना बाकी है, तो छत की डिज़ाइन भी कर लेते हैं। छत की डिज़ाइन हमें दिखाने वाला था आपको, तो वो भी दिखा देता हूँ पहले, क्यों मैंने एक ब्लॉक नीचे करा था वो भी दिखाता हूँ आपको, जल्दी से टूट गया, मतलब टूट गया। तो अभी इस साइड से बनाना स्टार्ट करते हैं एकदम कॉर्नर से एकदम। तो एक प्लैंक लगेगा और एक क्या बोलते हैं इसे, स्लैब लगेगा, प्लैंक स्लैब ऐसा लगने वाला है, बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये तो ट्राई करते थोड़ा सा, देखो स्लैब प्लैंक स्लैब और ये प्लैंक अच्छा लगा प्लैंक। ओके, तो बस हमें इसे ही पूरा मतलब प्लैंक्स को एक जगह से पूरा खींच लेना है पीछे तक, और जहाँ पे स्लैब होगी वहाँ पे पूरा स्लैब से खींच लेना है। तो आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ इसका मैं। तो यही गाइस, ये भी कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई, गुड मॉर्निंग, मतलब माइनक्राफ्ट में मॉर्निंग हो गई। एक मिनट, कूदू कहाँ से, यहाँ से कूदा मर गया तो सेफ रहेगा। ओके, ये ब्लॉक तोड़ लेते हैं भाई, ये क्या है, कहाँ पे भी गंद मची हुई है, जहाँ देखो वहाँ गंद, इसे तो घर का लुक चला जाएगा। ये देखो ये बीच में प्लैंक्स लगे हुए हैं, तोड़े इनको। अभी बस बाहर से मैं थोड़ी सी डिज़ाइन कर लेता हूँ, वो आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा यार वीडियो। तो अभी ऊपर चढ़ने के लिए स्टेयर्स पे काम चल रहा है, और ऐसा लग रहा है प्लेटफॉर्म भी बड़ा करना पड़ेगा, ये स्टेयर्स का काम बहुत ज़्यादा उलझन वाला है, क्योंकि यार ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा भी है, लेकिन अभी बहुत ही यार मतलब इसमें भी बहुत टाइम लग गया स्टेयर्स क्राफ्ट करने में। तो बस ऐसे ही कुछ था शायद से डिज़ाइन, ये अभी ये इक्वल हो गया, इसको एक ऊपर करना पड़ेगा शायद। ये स्टेयर्स बनाने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, जिसको कि मैंने सही कर दिया है, अब एकदम परफेक्ट स्टेयर बन चुकी है ऐसा लग तो है, हाँ बन चुकी है। अब इसे स्ट्रिप करना बाकी है, छिलके निकालने बाकी हैं इनके, तो छिलके भी निकाल देते फटाफट, बहुत टाइम लग गया इसमें। और अगर
आप अगर चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। आपका मतलब सब्सक्राइब और लाइक मुझे मोटिवेट करता है और नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो सब्सक्राइब टू चैनल वॉइस, और इधर भी थोड़ा सा गड़बड़ था, इसको भी सही कर लेते हैं। सही से लग जा। ओके, एक एक बड़ा करना है। सिर्फ प्लेटफॉर्म के चक्कर में मैंने पीछे से ले लिया था, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। अभी प्लेटफॉर्म में बड़ा कर दूंगा। ये हो गया, यहाँ पे एक ब्लॉक लगेगा। ओके ओके, तो ये इक्वल हो चुका है। यहाँ से एक ब्लॉक ऊपर आएगा, तो ये इक्वल हो चुका है अभी। तो अभी स्टेयर्स पे काम चल रहा है और ये स्टेयर अच्छे लगेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। ये क्ले बॉल से बनाई हुई स्टेयर है, जो मैंने आपको ब्लॉक्स दिखाए थे, ब्रिक ब्लॉक्स, ये वही ब्रिक ब्लॉक्स है। बस इसकी स्टेयर बना ली मैंने और ये लगा रहा हूँ, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था इसलिए ये लगा रहा हूँ मैं अभी। तो अभी बस ये कम्प्लीट हो जाए एक बार। ओके, ये बस थोड़ी और स्टेयर कम ना पड़ जाए, कम तो नहीं पड़ेंगे ऐसा लग तो रहा है। तो बस अब लास्ट काम चल रहा है, जो स्टेयर्स की जो छत है वो मैं फायर कैंप से बना रहा हूँ, क्योंकि यार ये दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिखेगी, इसको बुझा के मस्त एकदम बहुत अच्छी दिखेगी। तो इसको भी मैं यार डिज़ाइन करके मिलता हूँ, क्योंकि इसके भी बहुत सारे डिज़ाइन बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको छत को बनाने के लिए। पर तब तक आपके पास एक काम है, बस जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं। गाइस एक बार घर देखो, वो कितना अच्छा लग रहा है, मस्त एकदम एकदम मॉडर्न फीलिंग आ रही है। मतलब व्यूज देखो, वो स्टेयर्स देखो यार, जच रही है एकदम। आपको पास जाके दिखाता हूँ, पास से मतलब एकदम मक्खन लग रहा है वो घर। देखो ये देखो व्यूज, ये देखो स्टेयर्स, और ये देखो टॉर्च की वजह से मुझे पता है लुक खराब हो रहा है, लेकिन अभी आयरन तो है नहीं हमारे पास। ये देखो यहाँ पे उल्टी स्टेयर्स, व्यूज पीछे से भी डिज़ाइन किया है थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किया है, पिलर्स बना दिए नीचे ऊँचे। और वो पिलेजर का मैं क्या करूँ यार, कब से स्पॉन होकर रखा है, अब तक गया नहीं हो। ये देखो मस्त लग रहा है, नहीं कमेंट में बताना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों को भी यार शेयर करो, दिखाओ कोई वीडियो माइनक्राफ्ट के। और बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।